गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. बेटा आज हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, लेसन नंबर 16, डाटा हैंडलिंग. डाटा हैंडलिंग चैप्टर है, बहुत इजी है, बस आपने ध्यान से करते जाना है. वो कैसे करना है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्टिविटी 1. सबसे पहले इसको बोलते हैं बार चार्ट, जिसमें ऐसी वाली लाइन्स होती है ना, ऐसे होगा. अभी आप ड्रॉ करना नहीं सीखोगे, जस्ट ये देखो कि इसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं. और जैसे जहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हो उसको बोलते हैं कि ये पिक्टोग्राफ है. क्लियर? ये क्या होता है? पिक्टोग्राफ होता है. ज़रूरी नहीं है कि इसी की पिक्चर बनी होगी. कई बार फुटबॉल की आ जाती है, कई बार स्माइल फेस आ जाता है, कई बार सैड फेस आ जाता है, कुछ भी हो सकता है. अब एक्टिविटी 1 में क्या है? द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो टेल अस अबाउट द फेवरेट सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 इन अ स्कूल. कहते हैं ये एक पिक्टोग्राफ है, और पिक्टोग्राफ में क्या है कि आपको कुछ बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट बताए गए हैं क्लास 3 के, जो स्कूल में क्लास 3 है वो क्या पसंद करती है. ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट बताए गए हैं. कहते हैं आप पिक्टोग्राफ को रीड करो और बताओ. लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि एक स्टूडेंट जो बुक्स रीड कर रहा है वो 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है. मीन्स कि आपने क्या करना है कि पेंसिल के साथ सभी स्टूडेंट्स पे 5 + 5 + 5 + 5 कर देना है. क्लियर? ये है इंग्लिश, ये है हिंदी, ये है मैथ्स, ये है EBS, ये है आर्ट. क्लियर? सबसे पहले इंग्लिश सब पे 5 5 + कर लो. 5 + 5 + 5 आपने भी सभी ने लिखना है पेंसिल के साथ. यहाँ पे भी 5 + 5 + 5 + 5 + 5 एंड लास्ट पे भी +5. सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी 5 + 5 + 5 + 5 यहाँ पे भी 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 एंड लास्ट पे भी 5. अब इन सबको प्लस कर लो. या तो प्लस कर लेते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपकी विश है. जैसे 5 + 5 = 10 15 20 25 कितने हो गए इंग्लिश? मीन्स कि 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश लाइक करते हैं. कितने स्टूडेंट्स? 25. 5 10 15 20 25 यहाँ पे लिख लिया 25. अगेन हिंदी कितने कहते हैं? 5 10 15. हिंदी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 3 के 15 स्टूडेंट्स को. मैथ्स 5 10 15 20 25 30 कितने को? 30. यहाँ पे हमने लिख लेना है 30. अब ये 5 10 15 20 यहाँ पे हमने लिख लिया 20. अब आर्ट के EVS 20 स्टूडेंट्स को. आर्ट्स कितने को हैं? 5 10 15 20 25 30 35 40. आर्ट पसंद है 40 स्टूडेंट्स को. क्लियर? ऊपर 5 5 लिख के प्लस कर लेते हैं. या तो 1 2 3 4 5 5 5 से कितना होता है? 25. 1 2 3 3 5 से कितना होता है? 15. वो लिख लेते हैं, आपकी विश है कहीं पे. लेकिन 5 क्यों ऊपर लिखा है? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ कि एक स्टूडेंट्स किसके इक्वल है. वो जो उन्होंने फेस बना के दिया है कि ये जो है वो 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है. मीन्स यहाँ पे हमने 5 5 मानना है. क्लियर? अब क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इम्पॉर्टेंट है. क्या है? विच सब्जेक्ट इज मोस्ट पॉपुलर. कहते बताओ कौन सा सब्जेक्ट है जो बच्चों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मीन्स सबसे ज़्यादा पसंद है. यही बोल सकते हैं. कौन सबसे ज़्यादा बच्चे क्या पसंद करें? 40 स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट पसंद करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख देना है आर्ट. क्या लिख देना है? आर्ट. कहते हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स. मैथ्स कितने बच्चों को पसंद है? अभी हमने मैथ के सामने देखना है कितने को. 30 को. तो हमने यहाँ पे आंसर लिख देना है 30. क्लियर? मैं यहाँ आपने यहाँ पे लिखना है. मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान से दिख जाए कि मैंने क्या लिखा हुआ है. कहते विच सब्जेक्ट इज मोस्ट लाइक इंग्लिश और EVS. कहते बच्चों को इंग्लिश ज़्यादा पसंद है या EVS? अब देखो इंग्लिश कितने बच्चों को पसंद है? 25 को. और EVS कितने बच्चों को पसंद है? 20 पे. अब 25 ज़्यादा होते हैं या 20? 25 ना. तो 25 किसके हैं? इंग्लिश के. तो हमने लिखना है कि इंग्लिश जो है वो बच्चों को ज़्यादा पसंद है. क्लियर? ओके नेक्स्ट. विच सब्जेक्ट इज़ अ लीस्ट फेवरेट अमंग स्टूडेंट्स. कहते हैं कि सबसे लीस्ट मीन्स कम, बच्चों का सबसे कम फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा है सबसे कम? हिंदी. क्योंकि हिंदी सिर्फ 15 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, तो हमने इसका आंसर लिख देना है कि दिस इज अ हिंदी. क्लियर? कहते कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास 3. कहते बताओ क्लास 3 में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे. वो हमने कैसे फाइंड आउट करना जो हमने सभी प्लस किए ना.
जो इंग्लिश लाइक कर रहे हैं, जो हिंदी लाइक कर रहे हैं, जो मैथ्स, ईवीएस, आर्ट्स, इन सबको प्लस कर देना। जैसे इंग्लिश के कितने हैं 25, हिंदी के कितने हैं 15, मैथ्स के कितने हैं 30, ईवीएस के कितने हैं 20 एंड आर्ट्स के कितने हैं 40। इन सबको आपस में प्लस कर दिया तो हमारे पास टोटल आया 130। मींस कि 130 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास थर्ड में, क्योंकि हमें सब्जेक्ट गिवन थे, हमने उनमें से स्टूडेंट्स बना लिए, फिर बाद में उन स्टूडेंट को आपस में प्लस कर देना है, तो पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास थर्ड में। अब क्वेश्चन आंसर इधर है, ट्रू फॉल्स। कहते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आर्ट्स इज मोर देन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स। कहते हैं कि क्या बच्चों को आर्ट्स ज़्यादा पसंद है मैथ्स से? आर्ट्स है 40, मैथ्स है 30, मीन्स ऑफकोर्स बच्चों को आर्ट ज़्यादा पसंद है मैथ से, तो आपने यहाँ पे लिख देना है दिस इज ट्रू। आप सही बोल रहे हो कि बच्चों को आर्ट ज़्यादा पसंद है क्लास थर्ड को एज कंपेरिजन मैथ से। कहते बताओ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ईवीएस इज 15। कहते कि 15 स्टूडेंट्स को ईवीएस पसंद है? नो, ईवीएस कितने पसंद है बच्चों को? 20। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाना है? फॉल्स आ जाना है। क्लियर। आज हमने सिर्फ एक्टिविटी 1 का फर्स्ट सम किया है, इसके 3 सम्स हैं वो हम कल करेंगे। अगर आप चाहते हो तो ये खुद सॉल्व करके देख लेना कि एक प्लस जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, सॉल्व करके देखना, खुद आ जाएगा आपको, बहुत ईजी था। सो आज के लिए इतना बहुत है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।